की खूबसूरत कागज से ये टी20 लाख का क्रिकेट मेला सजने जा रहा है। मुलाकात करते हुए जी, ये मुलाकात हो रही है जी फखर स्वीटी से। आज स्पेशल पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम ये जी अजहर नियामत भाई, साथ मिस्टर साजिद अली बट्टू कैप्टन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। राणा रिजवान ऑन फायर है इस वक्त एनजी स्पोर्ट्स के ऑनर साजिद भाई जी। दोस्तों इस वक्त रॉयल कप 2022 के हमारे साथ पित्र पोर्ट के लिए आए हैं जी राणा रिजवान एनजी स्पोर्ट्स के ऑनर। तो उनसे पूछते हैं कि पिच की सूरत हाल क्या है और यहाँ पे बॉलिंग स्पोर्ट पिच होगी या बैटिंग स्पोर्ट। जी रिजवान भाई जी माशाल्लाह बिल्कुल बहुत अच्छा तैयार हुआ है और प्रॉपर बैटिंग विकेट है T20 के हिसाब से, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा स्कोर होगा और दोनों टीमें का फायदा उठाएंगे और अच्छी बैटिंग और बाउंसी विकेट है और बॉलर को भी फायदा होगा लेकिन रन ज़्यादा होंगे। अच्छा जी रन ज़्यादा होंगी और ग्राउंड के आउटफील्ड के बारे में बता दें। ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा वर्क किया है और लड़कों ने और आउटफील्ड काफ़ी तेज़ है जी है? तो इसका बेनिफिट ऑटोमेटिकली होगा बैट्समैनों को। और इस कप के बारे में अगर आप कुछ जी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है और साहिवाल की क्रिकेट को ऊपर ले जाने में रॉयल जमखाना ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, इससे क्रिकेट इम्प्रूव होगी और अच्छे प्लेयर आएंगे जी। थैंक यू जी। अंपायर्स रेडी हैं जी, देख सकते हैं आप और अभी इंशाल्लाह ओपनिंग सेरेमनी होगी तो इंशाल्लाह ओपनिंग सेरेमनी भी आपको दिखाएंगे साथ साथ। और ये राणा रिजवान है अंपायर्स माशाल्लाह तो अंपायर्स रेडी हैं अभी इस वक्त। ये जी राणा साहब अंपायर्स के साथ मुलाकात करते हुए और ये जी सेकंड अंपायर है हमारे मियां साहब, फर्स्ट अंपायर नवीद आलम भाई और सेकंड अंपायर मियां साहब हैं जी माशाल्लाह प्रोफेशनल अंपायर हैं पीसीबी के और साथ में एनजी स्पोर्ट्स के ऑनर। थैंक यू जी। और ये जी हमारे बहुत ही प्यारे भाई के जिनके दम से आज हम इधर आए हैं इस ग्राउंड में और जिनकी बड़ी काविशें हैं यहाँ पे। अगर देखा जाए तो रॉयल कप 2022 में अगर जिनका अहम किरदार है और जिनकी वजह से ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है मरहूम है और ये हैं जी मुमताज़ शाह साहब, इनकी वजह से ये टूर्नामेंट हो रहा है जी। बहुत अहम काविशें और आज पहले दिन यहाँ पे आए हैं जी, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। इस वक्त 20 स्पोर्ट्स क्लब इनका मैच है देख सकते हैं आप और माशाल्लाह सदरम पंजाब खेलते हैं जी मकबूल अहमद भाई और इस टीम के कैप्टन हैं और इस क्लब को अगर चलाने में अहम किरदार है तो वो इन्हीं का है। बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्समैन है, क्लब वालों को सारे बॉयज़ को समझाते हुए गाइड करते हुए और साथ दुबई के बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर अब्दुल मालिक भी मौजूद हैं। जी माशाल्लाह इस वक्त हम साबका चैंपियन इस टूर्नामेंट के T20 स्पोर्ट्स के कैप्टन मकबूल अहमद भाई के पास मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि टूर्नामेंट कैसा हो रहा है और इस वक्त उनका ये पहला मैच है इस टूर्नामेंट में, तो उनके क्या प्लान है आगे। और अस्सलाम वालेकुम, आपको पता है कि ये साहिवाल की तारीख में सबसे बड़ा इवेंट होता है और ये सारा क्रेडिट जाता है रॉयल फैमिली को तो जो बेलॉस क्रिकेट की खिदमत करते हैं और सब तकरीबन ये 12 या 16 टीम्स हैं जिनको उन्होंने इतने स्पॉन्सर किए हैं, बॉलें अंपायर ये ग्राउंड आप देख लें, सारी मेहनत जो है रॉयल फैमिली को ग्रहण जाता है इसका। और बाकी रही बात टूर्नामेंट की तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, अपनी कोशिश 100% देंगे, बाकी जो है अल्लाह पाक के हाथ में रिजल्ट अपनी मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे हम ये टाइटल का दिफा करें इंशाल्लाह। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त मेरे भाई जमशेद भट्टी जिन्होंने भट्टी व्लॉग्स के नाम से चैनल बनाया है यूट्यूब पर, इसको सब्सक्राइब करें फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।
लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं जी फखर भाई के साथ। तो फखर भाई बताएं कि आपको टूर्नामेंट में आके कैसा लगा और आपका चैंपियन है तो क्या आप इस रवायत को बरकरार रखेंगे या नहीं? जी इंशाल्लाह, पहली बात तो ये है कि जो ग्राउंड की सूरत हाल देख के बहुत ही दिल खुश हो गया और माशाल्लाह जो इंतजाम किए गए हैं कमेटी की जानिब से बहुत ही खूबसूरत इंतजाम हैं। तो हम इस टूर्नामेंट के सबका चैंपियन हैं तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस साल भी ये टूर्नामेंट हम ही जीतें। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं जी आरसीए के ऑनर राजा अरशद साहब के पास। तो फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं जी, इनके पास हम मौजूद हैं और इनसे इस टूर्नामेंट के बारे में पूछते हैं कि किस तरह के इवेंट है और इनकी टीम भी मौजूद है तो इनकी टीम का नेम वगैरह सब कुछ इनसे पूछते हैं। जी बताएं जी कि आपकी जो टीम है वो किस नेम से खेली है यहाँ पे और आप इस इवेंट में आके आपको कैसा महसूस हुआ और इस इवेंट की इंतजामिया के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो किया है। साहिवाल की हिस्ट्री में रॉयल क्रिकेट क्लब का ये जो स्टेप है टूर्नामेंट करवाने का वो सालों साल से वो लगे हुए हैं और सब लोग बहुत मुबारकबाद के मुस्तक हैं रॉयल क्रिकेट क्लब ने जिस तरह ये टूर्नामेंट का आगाज़ किया, स्पेशली मियाँ अजमत साहब जो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। और इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि किसी से भी कोई एंट्री फीस नहीं ली गई, ना अंपायरिंग फीस ली गई है, बॉलर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो मेरा बाकी टीमों को सबको जो है जिस तरह के उनके प्लान्स हैं कि इवेंट कराने वाले की अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं तो उनको चुप करके खेलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए किसके साथ खेलना है किसके साथ नहीं खेलना। बाहर बहुत अच्छा स्टेप है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पाकिस्तान में जिस तरह क्रिकेट वापस आई है, रवीर राजा साहब जो है वो जूनियर्स के लिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट जितने भी सदर पंजाब से खेले हुए चाहे वो साहिवाल से हैं चाहे वो काड़ा से हैं चाहे वो मुल्तान से हैं दादरा बाला से हैं तो उन सब को सब हमारे पास मिलते हैं। मेरे हमें पता चला है कि आपके जो अकेडमी के दो लड़के हैं वो इस जूनियर्स के जो प्लान है ये जो अरमिद राय साहब का है उसमें सिलेक्ट भी हुए हैं। जी जी बिल्कुल, अकेडमी के ही नहीं है वो काड़ा के भी हैं और वो नाला खुर्द के भी हैं, अकेडमी बाद में आती है, पहले बच्चे की अपनी एफर्ट जो है वो उसके सामने होती है। तो हमने कोई गारंटी नहीं लेना चाहते कि हम अकेडमी का अपनी करना, बहर सब लोग मुबारकबाद की मिस्टेक है और टीम हमारी स्मार्ट चॉइस के नाम से है और हमारी कोशिश ये होती है कि हम जूनियर्स को ऐसे ही टूर्नामेंट खिला के तो उनको आगे प्रमोट करें, उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा इंशाल्लाह ताला आज भी। और रिजवान साहब भी आपके साथ आए हुए हैं, सबसे बड़ी जो खुशी की बात है कि 5 साल के बाद क्रिकेट में है ना ग्राउंड में क्रिकेट का आगाज़ हुआ है और रॉयल क्रिकेट क्लब ने वही रवायत से पहले जैसे वो पहले करते थे और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। ऑर्गेनाइज़ घर बैठे नहीं होता, ऑर्गेनाइज़ के लिए जितना भी टाइम सब ने दिया है आप सब देख रहे हैं, उसमें शाहद बख्शू साहब हैं, नदीम चाचू साहब हैं और आज दो बड़ी इंपॉर्टेंट टीमें हैं 20 क्रिकेट क्लब यहाँ की बड़ी मशहूर टीम है और स्ट्रॉन्ग टीम है। और हमारी अकेडमी के बच्चे 2 साल से पहले कुछ नहीं थे और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उनके लिए कंपटीशन में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि टूर्नामेंट इसी तरह होता रहे। सब टीमों से ये रिक्वेस्ट है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें, अंदर अंपायरिंग के साथ भी और आउट ऑफ द फील्ड और इनसाइड द फील्ड अपने आप को जितना भी है ना वो काम डाउन रखें, उस टूर्नामेंट को कामयाब करवाने की कोशिश करें ताकि ऐसे टूर्नामेंट बार बार होते। जी ये जो टूर्नामेंट है इसकी मेन जो वजह है ना इसको आपको चाहिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो एडवर्टाइज़ करें और जिस तरह आप लोग माशाल्लाह चैनल चला रहे हैं भट्टी ब्लॉग के नाम से चला रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज़ करें और भी चैनल वाला उसको भी लेके आएँ ताकि बच्चों को किसी चैनल के ऊपर ना प्रमोट किया जाए। आपका चैनल जो है माशाल्लाह भट्टी ब्लॉग बड़ा अच्छा चल रहा है, आप इसको कंटिन्यू रखें इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट टाइम भी ऐसे टूर्नामेंट में आप आते रहें और बच्चों की प्रमोशन के लिए काम करते रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी थैंक यू, बहुत शुक्रिया।